कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों जम्मू कश्मीर पहुंच चुकी है। कन्याकुमारी से शुरू हुई ये यात्रा लगातार भाजपा नेताओं के निशाने पर है। इस यात्रा की अलग अलग क्लिप्स शेयर करते हुए भ्रामक दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में अमित मालवीय ने ये वीडियो ट्वीट किया और दावा किया कि राहुल गांधी ने किसानों का अपमान करते हुए उन्हें काला कहा। जो काले किसान के खिलाफ कानून आए थे, 3 कानून। भाजपा कार्यकर्ता अरुण यादव और प्रीति गांधी ने भी ये वीडियो ऐसे ही दावे के साथ ट्वीट किया है। बहरहाल ऑल्ट न्यूज ने जब जांच की तो पाया कि ये दावा बेबुनियाद है। राहुल गांधी के इस भाषण का पूरा वीडियो कांग्रेस के यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। सबसे पहले तो आप उनका ये भाषण सुनिए। जनता के मुद्दे जब भी हम पार्लियामेंट में उठाने की कोशिश करते हैं, हमें बोलने नहीं दिया जाता, माइक ऑफ कर दिया जाता है। जो कैमरा पार्लियामेंट हाउस की प्रोसीडिंग्स को दिखाना चाहिए, जिसको पार्लियामेंट हाउस की प्रोसीडिंग्स दिखानी चाहिए, वो सीधा स्पीकर का चेहरा, कभी स्पीकर का चेहरा दिखाएगा या किसी और कैबिनेट मंत्री का चेहरा दिखाएगा। तो हम पार्लियामेंट हाउस में, लोकसभा में, राज्यसभा में बोल ही नहीं सकते। नोटबंदी के बारे में बोलने की कोशिश की, गलत GST के बारे में बोलने की कोशिश की, अग्निवीर के बारे में बोलने की कोशिश की, मगर वो रास्ता बंद मिला। प्रेस के बारे में तो आप जानते हो, आपने कभी देखा पिछले 5 साल में कि मीडिया ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया हो? कभी देखा आपने टीवी पे कहे कि भैया हिंदुस्तान में बेरोजगारी फैल रही है? अग्निवीर की जो कमियां हैं, जो आप सबको मालूम है, उसके बारे में आपने मीडिया में देखा? जो काले किसान के खिलाफ कानून आए थे, 3 कानून, जो हर किसान समझ गया, उसके बारे में आपने मीडिया में देखा? बिल्कुल नहीं। मीडिया में आपको प्रधानमंत्री का चेहरा देखेगा, बॉलीवुड के एक्टर्स दिखेंगे, क्रिकेट के खिलाड़ी दिखेंगे, मगर जो जनता की समस्याएं हैं उसके बारे में आपको मीडिया में कोई चर्चा नहीं दिखाई देगी। तो मीडिया का रास्ता भी बंद, जुडिशरी पे सरकार का दबाव, CBI, ED, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सबका दबाव। तो फिर हमने सोचा हिंदुस्तान में आज एक ही रास्ता बचा है। अगर हम महंगाई की बात उठाना चाहते हैं, नफरत के खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं, बेरोजगारी के खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं, तो एक ही रास्ता है, हिंदुस्तान की सड़कों पे चल निकलो। अब ये बात कोई भी व्यक्ति आसानी से समझ सकता है कि भाषण देते हुए राहुल गांधी की जुबान फिसली थी। सरकार की अलग अलग नीतियों की आलोचना करते हुए राहुल गांधी ने 3 कृषि कानून की बात की थी, जिन्हें भारी विरोध के बाद सरकार ने रद्द कर दिया था। इन कानूनों को आमतौर पर कृषि के 3 काले कानून कहा जाता है। यानी भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर निशाना साधने के लिए बिना संदर्भ के एक क्लिप वीडियो शेयर किया।